प्रतापगढ़ में हर दिन कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है। प्रदेश में 13 जनवरी को फिर से 6000 से ज्यादा मामले आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 28000 के पार हो गई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि प्रदेश में अब हेल्थ वर्कर्स के बाद बड़ी संख्या में CRPF और पुलिस के जवान भी संक्रमित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का असर अब घातक होता दिख रहा है। बुधवार को छत्तीसगढ़ में 4 कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई। वहीं 5476 नए मामले सामने आए हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि हेल्थ वर्कर्स के बाद अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ड्यूटी पर तैनात जवान भी कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। PHQ के 10 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रायपुर के अलग अलग थाने में 5 से ज्यादा जवान संक्रमित मिले हैं। बिलासपुर में 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान संक्रमित पाए गए। बस्तर संभाग में CRPF के लगभग 50 जवानों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। रायगढ़ में भी एक ASI समेत 30 आरक्षक कोरोना की चपेट में आए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में आंकड़े अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और सारे देश में तब तो लाखों की संख्या पार हो रही है। हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं और समीक्षा बैठक उन्होंने कहा है और उन्होंने सारे जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है, सभी प्रभारी मंत्रियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि इसके रोकथाम के लिए, इसके पर्याप्त व्यवस्था के लिए उपाय किए जाएं। सरकार लगातार वायरस के फैलाव को रोकने के लिए काम कर रही है, लेकिन विपक्ष की माने तो सरकार अब भी कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश में कोरोना के हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। राज्य सरकार की निष्क्रियता और निकम्मेपन का ये नतीजा है कि आज यहाँ पर लगातार मौतें हो रही हैं और वर्तमान में जो हालात है, मतलब पूरी तरह से कम्युनिटी स्प्रेड यहाँ पर फैल चुका है। आगे ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। राज्य सरकार को लगातार आगाह करने के बाद भी राज्य सरकार ने किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारी को धरातल में पूरा नहीं किया। सिर्फ मीटिंग में और कागजों में सारी तैयारी को सीमित रखा। उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में अब कोरोना बेकाबू हो चुका है। जवानों का संक्रमित होना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे प्रदेश में शक्ति बढ़ाने की नौबत आ सकती है और ऐसी परिस्थिति में कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से लागू करवाने में यही जवान सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर हालात बिगड़ रहे हैं। सरकार जरूरत के हिसाब से फैसले ले रही है, लेकिन सिर्फ सरकार के फैसले से कोरोना ठहरने वाला नहीं है। हम सबको कोरोना गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करना होगा, तभी हम इसको प्रदेश में फैलने से रोक पाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।